हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था देयर वर थ्री मेजर अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के पास तीन अप्रोचेस थे। हमने वो दो डिस्कस किए। हमने पॉलिसी ऑफ जो आइसोलेशन थी, विच वॉज प्राइमरली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि इनको हमेशा आइसोलेट ही रखें, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी के साथ फिट नहीं होते हैं। इनको अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का जो है, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस तरीके से इनको अच्छा लगे, जिस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू टू लिव देयर लाइफ, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देयर वे ऑफ लाइफ। लेकिन इसका जो प्रोपोनेंट था वो था वी एल्विन, लेकिन इसका जो मेजर क्रिटिसिज्म था यही, तो फिर उन्होंने कहा कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में फिर ये दिन ब दिन हमसे बैकवर्ड ही जाएंगे, या हमसे मेन स्ट्रीम जो है कल्चर से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से ये बहुत पीछे जाएंगे, और एक टाइम आएगा व्हेन दे विल एक्सटिंक्ट, और इनको फिर ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हम वाइल्ड एनिमल्स को नेशनल पार्क्स में बंद करके रखते हैं। फिर हमारा दे बिकेम ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। तो अगर हमने इनको पल्स ऑफ आइसोलेशन इख्तियार किया, तो ये भी हमारे लिए कभी न कभी फिर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन बनेंगे, और हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनको देखने जाएंगे। तो इस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। उसके बाद एक और पॉलिसी आई हमारे पास, जो कि जी एस गोरिया ने दी। उसने दिया है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। उसने कहा कि ये हमारी ही सोसाइटी के पार्ट, कभी न कभी ये हिंदू सोसाइटी के ही जो है का हिस्सा थे, इसलिए उनको फिर से रीइंटीग्रेट करो। उसको उसका जो मेजर जो क्रिटिसिज्म था वो था, फिर वो तो एक किस्म का कल्चरल एग्रेशन हो जाता है। जब हम अपना कल्चर किसी दूसरे कल्चर पे थोपते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल एग्रेशन। और उसमें कल्चरल एग्रेशन में बेसिक एजम्पशन यही होता है कि जो दूसरे का जो कल्चर होता है उसको हम इन्फीरियर मानते हैं, यानी इट वॉज फिल्ड विद प्रेजुडिस, इट वॉज फिल्ड विद इथनोसेंट्रिज्म। तो फिर वो कल्चरल एग्रेशन जो है वो ठीक नहीं है। हर एक का कल्चर जो है वो, न कोई कल्चर सुपीरियर होता है, न कोई इंफीरियर होता है, बल्कि हर एक कल्चर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप हुआ होता है, और एवरी कल्चर इज बेस्ट सुटेबल फॉर दैट एनवायरनमेंट। अब जो हमारा तीसरा मेजर अप्रोच है वो है पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसने कहा था हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, इनको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आजकल के वर्ल्ड में, और नहीं हम इनको असिमिलेट करेंगे ज़बरदस्ती, इनको हम मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है वो नहीं दे सकते। उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा दे शुड बी अलाउड टू डेवलप ऑन देयर ओन लाइन्स विदाउट लूजिंग देयर कल्चर, विदाउट लूजिंग देयर वे ऑफ लाइफ। वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, जितने भी है ये वो डेवलपमेंट, उसने कहा डेवलपमेंट इज पॉसिबल इवन इफ दे रिटेन देयर ओन कल्चर। अपना कल्चर को रिजेक्ट किए बगैर वो डेवलप हो सकते हैं। ये था मेन प्रोपोनेंट जवाहरलाल नेहरू का। उसने कहा कि जो ये ट्राइबल्स होते हैं उनको अपने कल्चर जो है, हमें उनसे उनका कल्चर नहीं छीनना है, उनको ये नहीं बताना है कि आप अपना कल्चर छोड़िए, आपका कल्चर इन्फीरियर है, आप हमारा कल्चर ले लीजिए, नहीं, बल्कि उनको अपने कल्चर जो है, उनका पूरा हक है टू फील प्राउड ऑफ देयर कल्चर, टू प्रैक्टिस देयर कल्चर, लेकिन अपने कल्चर को छोड़े बगैर भी वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हम उनको मॉडर्न एजुकेशन देंगे, हम उनको मॉडर्न जो फैसिलिटीज देंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न बनने के लिए हमें अपना कल्चर छोड़ना पड़े, और ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलप होने के लिए हमें अपना कल्चर छोड़ना पड़े, हम अपने कल्चर को छोड़े बगैर भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस अप्रोच में दो तीन चीज़ें अच्छी थी। एक तो ये कल्चरली जो प्रेजुडिस इसमें नहीं था, इसमें जो है उनको जो उनका जो कल्चर है, जो भी उनका कल्चर होगा उसका एक वो इन्फीरियर हम इसमें नहीं मानते हैं, बल्कि उसको जो है उस उनके कल्चर की हम रेस्पेक्ट करते हुए भी उनको डेवलप कर सकते हैं। फिर ये जवाहरलाल नेहरू ने जब ये अप्रोच दिया, उसको हम पंचशील भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ ट्राइबल सब प्लान्स बने
और उनके लिए फिर डिफरेंट स्कीम्स रही फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। तो जो हमारा अब ये वाला पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन है, ये है मेन अप्रोच जो जिस जो फिर इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए इख्तियार किया। और फिर इस अप्रोच की एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोचा, सोशोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने इसकी इसको सपोर्ट किया, बिकॉज इट वॉज कल्चरली न्यूट्रल अप्रोच। इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, इसमें हर एक को जो है उसको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका कल्चर इन्फीरियर है, बल्कि ये समझाया जाएगा कि इनको विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चर वो डेवलप हो सकते हैं। फिर उसमें डिफरेंट फिर थ्रू लीगल थ्रू